इसलिए आपका एक ये बनाओ, मेरी तरफ से मैं एडवर्टाइज देता हूँ यमशियन में, उसका आपको 1 रुपया आप नहीं देंगे। आपके संगठन का नाम देंगे अगर ग्राहक मतलब उनकी पसंद हो उर्दू में और मराठी में, मराठवाड़ा में ग्राहक को अगर कोई फंसाता है तो ये आपके फोन नंबर है, कही है ये आपकी संगठन है, आपकी जो भी पदाधिकारी है उन्होंने उचारे तो फोन भी फ्री है। फ्री मतलब क्या, 300 रुपए जो बने के और कितना भी बात करो। अब पहले जैसा नहीं है, इनकमिंग आउट कमिंग उन्होंने भी ठगाई है, पहले ठग लिया, अब ऐसी हालत में भी है कि वो बोलते भी कितना भी बात करो। हर कोई का प्लान है, तो मेरा कहना यही है कि इस युग में आपके संगठन को भी आपको जो है लोगों के पास जाना चाहिए। ये कुछ आपके लिए नहीं कर रहे, उपभोक्ता के भलाई के लिए कर रहे, और जब उपभोक्ता की भलाई के लिए करेंगे तो ये जरूर है कि आपको उसकी भलाई देखना चाहिए। सरकार तो हर चीज को मान्यता दे देती है, सरकार खुद भी एक चोर होती है। ठगा गया और मंत्रालय में बोले थे और अपील में आए, पैसा खाया गया कि हम बैठे, ऐसा भी बहुत बार होता है। आजकल तो सरकार जो सर्टिफिकेट देते हैं मान्यता का, उसमें भी पैसे काटे, ऐसे मैंने सुना। तो कहां का हम कम पड़ेंगे। पर आज अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, हमारे तमाम पत्रकारिताओं के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बखिदमत शरीफ जनाब सही महाशमी साहब से एक अदबन गुजारिश करूंगा। श्री फहीम हाशमी सर यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं। में है जो भी हम काम रहेगा मैं करूं, तो इस तरह से हम आगे भी और ग्रुप डेवलप करेंगे, बढ़ा देंगे ग्रुप को, अवेयरनेस लाएंगे लोगों में कि भाई ये किसी के घर का कानून नहीं है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, PWD हो, कॉरपोरेशन हो, कलेक्टर ऑफिस हो, कोई भी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, हर एक के लिए न्याय, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी समाज का हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। इसी के लिए हम आगे लड़ते रहेंगे। हॉस्पिटल मध्ये जातो आपण, हॉस्पिटल मध्ये भी जातो तिथं विना कामाचं मेडिकल दिलं जातं, गरीब महिलाला फसवलं जातं। आपण त्याला विचारतो का त्या डॉक्टरला काही एवढं मेडिकल कशाचं। आज अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संघटन ही जागरूक उपभोक्ता बनवण्याचे काम करत आहे। आज ही संघटन गेल्या 20 वर्षापासून पूर्ण भारतामध्ये जवळपास 16 ते 17 राज्यामध्ये पूर्णपणे कार्यरत आहे। आणि आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संघटन हे आपल्या सेवेत सध्या परिपूर्ण सज्ज आहे। आणि अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संघटनेचा मुख्य उद्देश असा आहे की उपभोक्ता आंदोलनाला सशक्त करणे, बनावट करणारे, भेसळ करणारे आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध अंकुश कसा लावता येईल हे काम अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संघटन चांगल्या प्रकारे करत आहे। त्यामुळे आज जमलेल्या सर्व मान्यवर अधिकारी वर्ग व सहव किती आवाज येतो आणि सांगते की आपला थम्स लागला, ओके आहे, परंतु ती पावती आपण घेत नाही आणि दुकानदार तुम्हाला पावती देत नाही। कारण की त्या पावतीमध्ये आपल्या कुटुंबातील असलेली संख्या, आपल्या कुटुंबाला मिळणार धान्य किती आहे तुम्हाला रेट त्या पावतीवर। विश्राम जाधव साहब सरपंच कादराबाद, आपके सामने ग्राहक के बारे में, ग्राहक की जागरूकता के बारे में तफसील से इन्होंने आपके सामने अपना मनोगत मांडा है और विस्तार से जो चीज़ें बताई है इसको ध्यान रखते हुए आप लोगों को काम करना है। हमारी प्रदेश की जो टीम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन खान साहब,
इनके अध्यक्षता में प्रदेश लेवल पे हम लोग काम करने वाले हैं और ग्राहक का जब तक साथ नहीं मिलता, ग्राहक की जब तक हमारे तक कंप्लेन नहीं आती, जैसा हमारे गुरुजी ने बताया है, ग्राहक जब तक कंप्लेन नहीं करता है उसका निवारण हम कर नहीं सकते। ग्राहक लेने एक तरफ कंप्लेन करने आते हैं, दूसरी तरफ जो है तो मैनेज हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पक्के दिल से आके हमारे पास अगर सही ढंग से आओगे तो आपका जो है तो कार्य एकदम आराम से हम कर सकते, आपका निवारण करके दे सकते। ऐसा मैं मेरे सब प्रदेश बॉडी से, प्रदेश के पदाधिकारियों से विनंती करता हूं कि हम सब मिलकर और यहां की तादाद देखकर मुझे ये अंदाजा हो गया है कि लोग कितना जाग रहे हैं। हम हर रोज टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि हमें जागना है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक मिसाल मशहूर है, सोए हुए इंसान को जगाया जा सकता है लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे जिंदगी। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।